कैल सेपा क्लेर, आर यू कन्फ्यूज ऑल्सो? वी बोनजूर, कोमो अलेवू, जेस्पेर के वुज अले बियां। Aujourd'hui, nous allons apprendre les adjectifs interrogatifs. Et today, we are going to learn adjective interrogative. Interrogative adjective के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आज मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा कैल के बारे में। देखो, एक्सक्यूज फ्रे, तो डिस्कस करते हैं हम कैल के बारे में। कैल यूज करा जाता है विच और वॉट के लिए एंड हु के लिए। जैसे हिंदी में होता है कौन सा, कौन सी और कौन से, सेम फ्रेंच में भी ऐसा ही होता है। फर्स्ट वाला कैल, इस कैल को यूज करा जाता है मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, जैसे हिंदी में होता है कौन सा। दूसरा कैल, QUELLE, कैल, इसका मीनिंग होता है विच वॉट एंड हु, और ये यूज करा जाता है सिंगुलर फेमिनिन के लिए। थर्ड कैल, QUELS, कैल, ये यूज करा जाता है मैस्कुलिन प्लूरल के लिए, और इसका मीनिंग होता है विच वॉट एंड हु। फोर्थ QUELLES, कैल, इसका मीनिंग भी वही है बट ये यूज करा जाता है फेमिनिन प्लूरल के लिए। तो चारों की साउंड एक ही है, कैल। देखो, नॉट कैल्स, कैल्स 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 नहीं है, कैल कैल साउंड है इनकी, और इनका मीनिंग होता है विच व्हाट एंड हु। फॉर एग्जाम्पल, कैलिस्टिलो, कैल स्टिलो, कैल लिव, कैल लिव, कैल पोख्ताब्ल, कैल पोख्ताब्ल, कैल फिल्म, कैल फिल्म, कैल शोकोला, कैल शोकोला। तो ये तो है मेल नाउन के साथ, फेमिनिन के साथ। कैल वचू, कैल वचू, कैल मेजों, कैल मेजों, कैल फिये, कैल फिये, कैल क्लास, कैल क्लास, ऐसे ही प्लूरल नाउन के साथ भी हो सकता है। कैल फिल्म, विच मूवीज, कैल मेजों, विच हाउसेस, कैल फिल्म प्रेफेरे वू, कैल फिल्म प्रेफेरे वू, विच फिल्म डू यू प्रेफर, कैल गातो एमेवू, कैल गातो एमेवू, विच केक डू यू लाइक, कैल स्टीलो आश्ते वू, कैल स्टीलो आश्ते वू, विच पेन डू यू बाय, कैल वचूह एमेवू, कैल वचूह एमेवू, विच कार डू यू लाइक, कैल लिव आश्तेवू, कैल लिव आश्तेवू, विच बुक डू यू बाय, कैल स्पॉर्ट एम ट्यू, कैल स्पॉर्ट एम ट्यू, विच स्पॉट डू यू लाइक, कैल म्यूजिक एमेवू, कैल म्यूजिक एमेवू, विच म्यूजिक डू यू लाइक, कैल मेजों प्रेफेरेवू, कैल मेजों प्रेफेरेवू, विच हाउस डू यू प्रेफर। तो यहां पर ध्यान से देखिए, मैं कभी कैल लगा रहा हूं और कभी QUELLE लगा रहा हूं। तो ध्यान रखना है आपको, जो मेल नाउन होती है उसके साथ हमें यूज करना है QUEL, कैल, और फेमिनिन नाउन के साथ यूज करना है QUELLE। कैल होब पोख्ते त्यू, कैल होब पोख्त त्यू, विच ड्रेस डू यू वियर। कैल का यूज वॉट के लिए भी किया जा सकता है,
जब कैल एथर वर्ब के साथ यूज होता है तब वो व्हाट इज बनता है, जैसे कि केले, कैल ए व्हाट इज, कैल सॉ व्हाट आर, फॉर एग्जाम्पल केले वॉथर नॉम, केले वॉथर नॉम व्हाट इज योर नेम, केले वॉथर नेशनलिटी, केले वॉथर नेशनलिटी व्हाट इज योर नेशनलिटी, केल सो वो नॉम, केल सो वो नॉम, केल सो वो नेशनलिटी, केल सो वो नेशनलिटी। तो यहां पर हुआ व्हाट का यूज, ऐसे ही हु के साथ भी बनाया जा सकता है। केले वॉथर संत प्रेफेरे, केले वॉथर संत प्रेफेरे, संत मीन्स सिंगर, मेल सिंगर के लिए यूज होता है, संत फीमेल सिंगर के लिए, संतस। तो सेंटेंस बना आपका यहां पे, केले वॉथर संत प्रेफेरे, हु इज योर फेवरेट सिंगर। तो इस तरीके से हम केल का यूज करते हैं व्हाट के लिए, विच के लिए एंड हु के लिए। देखो जो है पैथ, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, केल इसका यूज करते हैं हम मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, केल यूज फॉर फेमिनिन सिंगुलर, केल यूज फॉर मैस्कुलिन प्लुरल एंड केल यूज फॉर फेमिनिन प्लुरल। तो आशा करता हूं कि कैल का कंसेप्ट और इससे रिलेटेड आपको सेंटेंस अच्छे तरीके से समझ में भी आए होंगे। और वीडियो देखकर अगर आपकी कुछ वैल्यू बढ़ी तो प्लीज इसे जल्द से जल्द लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और डोंट फॉरगेट टू बेल आइकन। अब मैं मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आ भी आ तो।